जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको डब्ल्यू बी बाई हमानी शानिल में, यानी कि हमारे आज के क्विज मुकाबले में। आज हमारा सेकंड लास्ट क्वार्टर फाइनल है, कल माफ कीजिएगा आखिरी क्वार्टर फाइनल होगा, यानी कि आज भी हमारे तीनों राउंड्स के जो यानी अपने अपने राउंड्स के जो विनर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कल भी ऐसा ही होगा, हर क्वार्टर फाइनल का विनर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहा है, फिर सेमीफाइनल होगा और सेमीफाइनल के विनर्स दो, यानी छह क्वार्टर फाइनल्स हो रहे हैं तो छह सेमी यानी छह अपराध होंगे जो सेमीफाइनल पार्टिसिपेट करेंगे और दो राउंड होंगे, तो पहला सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल इन दोनों के विनर्स के दरमियान होगा फाइनल। जी हाँ, दो सेमीफाइनल होंगे छह पार्टिसिपेंट्स के दरमियान, और जो फाइनल का विनर होगा उसके लिए डब्ल्यू बी बाई हिमानी की जानेब से 2,00,000 रुपए का कैश प्राइज है इंशाअल्लाह। तो जनाब अली हमारे तीनों मेहमान खैरियत से ठीक ठाक है। आपका नाम सर? उसामा सत्ता। क्या करते हैं उसामा भाई? एनईडी यूनिवर्सिटी। एनईडी। जनाब? सदफ यूनुस। कौन सी क्लास में? सेकंड ईयर। क्या बात है भाई। जनाब खान। रिजवान भाई क्या करते हैं? फार्म डी फ्रॉम जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी। जबरदस्त, ठीक ठाक। तो आप लोगों को जाहिर है रूल्स एंड रेगुलेशंस तो मालूम है, मैं वैसे ही दोहरा देता हूँ कि बजर है, जैसे ही बजर बज जाएगा सवाल रुक जाएगा, फिर सवाल होगा और फिर आपने जवाब देना होगा, सही जवाब पे +10 और गलत जवाब पे -10। वैसे याद है आप लोग के जवाब जीते थे तो आपने कितने नंबर लिए थे, टोटल स्कोर कितना था? 170। आपका? 220। उफो, 180 करीब करीब ही है। खैर वैसे भी हम नंबर्स की बुनियाद पर अंदाजा नहीं लगा सकते किसने अच्छा खेला है किसने नहीं, क्योंकि हम कभी कुछ कम सवाल करते हैं कभी ज्यादा करते हैं, तो ये तो वैसे ही एक अंदाजा है। और फाइनल के विनर के लिए एनएक्स की जानिब से भी बड़े इनामात हैं। टाइम आप मुझे प्लीज बताते रहिएगा, तैयार है जनाब? और ये गुजारिश भी आप सबसे डब्ल्यू बी बहमानी का ये पैगाम कि अपने हाथों को बाकायदगी से सैनिटाइज जरूर 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 प्लीज करते रहिए, कोरोना ज्यादा दौर में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डब्ल्यू बी बहमानी अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स, बॉडी स्प्रेस एंड परफ्यूम्स। तालियां बजा दें ताकि मुकाबले का आगाज कर दें भाई। भाई क्या आप ये बात जानते हैं कि वो कौन सा जानवर है इन दो में से, मैं ऑप्शंस देता हूं, हाथी या घोड़ा, वो कौन सा जानवर है जो पानी सूंघने की सलाहियत रखता है इन दो में से, हाथी, एलिफेंट या हॉर्स? तुक्का मारो तो खैर है। हाँ, घोड़ा। जी घोड़ा। आप कहते तो क्या कहते हैं? हाथी। हाँ आप कहते तो ठीक कहते, आपने गलत कहा है, ताज़ियत कीजिए। -10 से क्वार्टर फाइनल का आगाज हो गया है जी। हाँ जी, हाथी जो है वो 19 किलोमीटर की दूरी से पानी की मौजूदगी का सूंघ कर अंदाजा लगा लेता है। सूंढ देते हैं, 19 किलोमीटर लंबी थोड़ी है भाई, वहां तक थोड़ी जाए, लेकिन ये बात सही है आपकी। यार वो होता है ना फोबिया, फोबिया, किसी को वाटर फोबिया होता है, किसी को हाइट फोबिया होता है, जानवरों से डरने को मेडिकल जबान में क्या कहते हैं? जानवरों से डरने को मेडिकल की जबान में लायन फोबिया कहते हैं या जू फोबिया कहते हैं? बी, जी, जू फोबिया कहते हैं। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त, ओके। मेरा अगला सवाल है, उसके ऑप्शंस हैं क्वाला, बियर या हाथी, इनमें से कौन सा जानवर है जो दिन में 22 घंटे सोता है? मैंने जानवर की बात की है, किसने बजर बजाया? सी, जी जी, हाथी। गलत हो गया जवाब, एक और क्वाला बियर। ये जानवर आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये जो है ना ये खुद सो रहा है 22 घंटे और आपके दो जवाब हो गए हैं गलत। क्वाला बियर का हाजमा इंतहाई सुस्त होता है, इसलिए उसमें जागने की एनर्जी नहीं होती, क्वाला बियर। और अब बाकी भी इंसानों में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वह बाद में बताऊंगा आपको मैं, जो सोते रहते हैं कभी कभी उठ जाते हैं। अच्छा भाई ये बता दें, अगर आप में से मुझे कोई चमगादड़ या तितली, ठीक है, दुनिया का कौन सा वाहिद मैमल है, कौन सा वाहिद मैमल है, मैमल जो उड़ सकता है? सी, बी, जी, चमगादड़। चमगादड़, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त, ओके। अगला सवाल बहुत ज्यादा अहम है, क्यों? इसलिए कि वसीम भाई करेंगे, करें। सुभान अल्लाह माज मलागा, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख की किथे जड़ियां। जनाब इसका लिखा हुआ कलाम है, पीर मेरे अली शाह साहब। जवाब क्या बात है भाई, जबरदस्त, क्या कहना है। अशरफी साहब सवाल करें सर। महमूद भाई, कुर्सी, आयतुल कुर्सी कुरान पाक की किस सूरत में? बी, सूरह बकरा। जवाब दुरुस्त है, क्या कहने, जबरदस्त, ठीक।
सूरे बकरा। जो सवाल था भाई वही जवाब होना चाहिए, एक जवाब दे दे। हाँ, सूरे बकरा के मतलब क्या है? नहीं ये जवाब ठीक, लेकिन ये सवाल नहीं था, इसलिए ताजियत कीजिए। सूरे बकरा आयात कितनी है? सी 286। बिल्कुल ठीक आपका जवाब, जबरदस्त, क्या कह रहे हैं, नुकसान पूरा हो गया। कोई मसला मोहसिन भाई, सवाल कीजिएगा। कुरान पाक के 15वें पारे का नाम बताइए। सुभान अल्लज़ी। जवाब दुरुस्त है, क्या कहने हैं, जबरदस्त। कुरान मजीद का 15वां पारा सुभान अल्लज़ी, जो पहली आयत है वो ग़ज़वा बदर से मुताल्लिक है, शबे मेराज से मुताल्लिक, मेराज से मुताल्लिक है, आयत मेराज है। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। ज़ुहैब भाई, अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरबी है वही वाली कुल है। शेर मुकम्मल कर सके तो वो हाशमी मक्की मतनी उलारबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। ठीक है, सही है, काफी सही, ठीक है, सही मानते हैं। ओके ग्रेट, जबरदस्त। ये कलाम कोई तरन्नुम में पढ़ के सुना सकता है? बेशक एक लाइन ही सही तो सुना दें बजर बजा के, अगर कोई चाहता है तो। मैं नहीं पढ़ यानी जिससे यही 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 नहीं जो मैंने दो लाइन आखिरी की पढ़ी वो सुना है, लहन में सुना, मतलब लय में, जो मैंने दो लाइन आखिरी की पढ़ी वो सुना। चलो किसने बजाया बजर? बी ने बजा दिया बजर इतनी देर में, बजाएं बताएं। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम है मुरब्बी है वही वाली कुल है। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं कि इसमें हम ना प्लस करते हैं ना माइनस करते हैं, इसको फिर वो कर देते हैं। तो आपने एक एफर्ट किया, लेकिन वो आपने पूरे अल्फाज अगर दोहरा दिए होते तो आपको पूरा मौका मिला सोचने का, फिर बदल बजाया तो हम तो उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी। सुभान अल्लाह। ठीक है, ये सवाल कैंसिल है ना, इस पे प्लस है ना माइनस है। ठीक है, ये वाला जो नात पढ़ने का था। ठीक है भाईजान, कोई हाथ हो कह दो मुझे। अच्छा मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक है, अच्छा सही है भाई। 1965 की पाक भारत जंग 17 दिन चली या 40 दिन? ए जी भाई, ये आपका 17 बिल्कुल ठीक, पड़ोस में कहा देख रहे थे, सही थे आपने बदल भैया, सही। 1965 की पाक भारत जंग जो 17 रोज चली, हुक्मरान उस वक्त फील्ड मार्शल अयूब खान थे। जी अयूब खान, अयूब खान थे, बिल्कुल ठीक है जवाब, जबरदस्त कमबैक कर लिया आपने भाई। भारत का वजीर आजम कौन था उस वक्त जब 65 की जंग छिड़ी? लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? बी जी, फर्स्ट ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। पक्की? रिपीट करें इस बात को, लाल बहादुर शास्त्री। बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, ओके जबरदस्त। बर्तानिया का सबसे बड़ा फौजी एजाज क्या है? बी अगेन जी, विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस है, बिल्कुल ठीक है भाई, मिस सेंचुरी हो गई है भाई, लेकिन आप दोनों भी सही जा रहे हैं, 20-20। अच्छा ठीक है, ओके एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूं, अंदाजन मैं पहले से ऑप्शंस दे रहा हूं, तकरीबन 3 लाख या तकरीबन 10 लाख? जो फैसल मस्जिद है इस्लामाबाद में, 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, जबरदस्त। खत्म हो गया पहला राउंड और है तीनों मुकाबले में आप जरा आगे, 50-30-20, देखते हैं क्या होता है। सवाल हो गए हैं मुकम्मल पहले राउंड के, अब बजर का चक्कर नहीं है, अब जिससे सवाल है वही जवाब देगा। तस्वीर दिखाएंगे आपको एक एक करके, पहली 3 तस्वीर दिखाएंगे, सी चार्ली सर आपको हिंट्स देंगे, कोई देखिए पहला जवाब आखिरी जवाब होगा, दिखाइएगा जनाब। अरे कौन है अभी बैठे? सबीउद्दीन रहमानी। सबीउद्दीन रहमानी साहब है, बिल्कुल ठीक है आपका जवाब, वायर भी लगा हुआ है। अगली तस्वीर दिखाएं, एम्पायर है एम्पायर, स्टीव आते हैं इनके नाम के शुरू में, स्टीव जॉब्स, स्टीव स्मिथ, स्टीव एम्पायर, स्टीव जॉब्स। गलत हो गया, मैं ऑप्शन थोड़ी दे रहा हूं, मैं तो हिंट दे रहा हूं, स्टीव बकनर, वेस्ट इंडीज के बड़े स्टाइलिश किस्म के एम्पायर थे, स्टीव बकनर। जनाब आप ये जवाब नहीं दे सके, अगली तस्वीर दिखाइएगा, गारे हिरा। आहा गलत हो गया जवाब, जबले सौर, यानी हम इसको ठीक है
ओके ठीक है ठीक है. जब नहीं वैसे चले ठीक है ओ हाँ ओ अच्छा 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 सॉरी सॉरी नहीं नहीं ठीक है ठीक बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही. थैंक यू बिल्कुल सही आपका. ओके ओके तालियां बजाते हैं भाई. मेरे पास यहाँ सारी अरेंज गलत है, यहाँ सारा मेरे पे आगे पीछे लिखा हुआ है. खैर सर अगले तीन सवाल हैं आपके लिए, यानी कि पार्टिसिपेंट बी के लिए. जी दिखाइएगा पहले तस्वीर. कौन है भाई ये? बहुत मशहूर और मारूफ कलाम लिखने वाले और कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है. क्या बात है, जबरदस्त बिल्कुल ठीक है आपका जवाब. अगली तस्वीर दिखाइएगा. पाकिस्तान के एम्पायर हैं और इनके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं. अलीम डार वाह वाह जबरदस्त बिल्कुल ठीक. और आखिरी तस्वीर दिखाइएगा जनाब. हिंट है हजरत हमजा. यानी इससे बड़ी हिंट तो नहीं सकती. हजरत हमजा की शहादत, मदीना जंग, फाइव जंगे ओहद, ओहद का पहाड़. और ठीक मान लें इसको. ठीक है ओहद का पहाड़ ठीक है जनाब. ओके आखिरी तीन तस्वीर दिखाइएगा पार्टिसिपेंट ए को. जनाब ठीक हो ना? कारी अब्दुल वही जफर कासमी. क्या कहने अब्दुल. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. अगली तस्वीर दिखाइएगा. ये कौन है? वो हंस रहे हैं बीच में. ये भी एम्पायर है वैसे. टॉफी टॉफी करके है कुछ नाम. साइमन टॉफिल. बहुत नहीं 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 क्या नहीं लिखा हुआ. ठीक है जवाब आपका. साइमन टॉफिल बिल्कुल ठीक है. और ये कौन सा है? हाँ जी. अरे अब तो बता दो. गारे सौर. हाँ ठीक है आपका जवाब. ओके जनाब अली. ओके तो दूसरा राउंड खत्म हो गया और टाइम कम है. मुकाबला सख्त है. 60-80-40 60 सेकंड है तीनों के पास. पहले 60 सेकंड है सर आपके पास पार्टिसिपेंट सी. ठीक है और बजर का कोई चक्कर नहीं है. सही पे प्लस 10 गलत पे माइनस 10 नहीं है. आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है मेरे भाई. अब पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के लिए कम से कम उम्र 25-30 गलत. पाकिस्तान में सेनेटर बनने के लिए कम से कम उम्र 25-30 गलत. पाकिस्तान में कौन सा निजाम राइज है? सदारती या पार्लियमानी? पार्लियमानी बिल्कुल ठीक. 20 रमजान को मुसलमानों को जंगे बदर नसीब हुई या फतेह मक्का? फतेह मक्का बिल्कुल ठीक. बारिश की मकदार के लिए रेक्टर स्केल या रेन गेज? रेन गेज बिल्कुल ठीक. किस खेल में 22 गेंदें? फुटबॉल के स्नूकर? स्नूकर बिल्कुल ठीक. फेसबुक ने व्हाट्सएप तकरीबन कितने में खरीदा? 9 अरब डॉलर्स 19 अरब डॉलर्स 19 अरब डॉलर बिल्कुल ठीक. जमीन पर सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तकरीबन कितना रहा? 57 डिग्रीज 140 डिग्रीज 57 डिग्री बिल्कुल ठीक. सोडियम कार्बोनेट यानी सॉल्ट या वॉशिंग सोडा? वॉशिंग सोडा बिल्कुल ठीक. मलेरिया का मर्ज मच्छर के काटने से होता है? बिच्छू के? मच्छर के बिल्कुल ठीक. कौन से नबी बुद्ध शिकन? हजरत यूसुफ, हजरत इब्राहिम? हजरत इब्राहिम बिल्कुल ठीक. पाकिस्तान के दूसरे आइन को किसने नाफिज किया? अयूब खान या याया खान? अयूब खान बिल्कुल ठीक. पाकिस्तान के किस नोट पर शाह फैसल मस्जिद? 5000 10000 5000 बिल्कुल ठीक. कोहे हिरा का दूसरा नाम जबले ओहद या जबले नूर? जबले नूर बिल्कुल ठीक है आपका जवाब. ओके वेल प्लेड. पहले एक दो जवाब हो गए गलत. 25 वाले में 30 हो गया, 30 वाले में 25 हो गया, लेकिन आपने अच्छा खेला. वेल प्लेड. लेट्स सी सर. ठीक है अगले 60 सेकंड में पार्टिसिपेंट ए के लिए अल्फा के लिए और आपके 60 सेकंड्स का वक्त सर शुरू होता है मेरे भाई. अब किस फल से तापकारी के असरात खत्म होते हैं? लीमू या आम खाएगा? लीमू बिल्कुल ठीक. मशहूर वॉल स्ट्रीट किस शहर में? लंदन या न्यूयॉर्क? न्यूयॉर्क बिल्कुल ठीक. हयात जावेद, अल्लामा इकबाल, अल्ताफ हुसैन हाली? अल्लामा इकबाल गलत. सिंध की पहली खातून गवर्नर फातिमा जिना या बेगम राना? बेगम राना बिल्कुल ठीक. आयत करीमा हजरत अय्यूब या हजरत यूनुस? हजरत यूनुस बिल्कुल ठीक. कार्टून फिल्म का मुअज्जिद एडिसन या वॉल्ट डिज्नी? वॉल्ट डिज्नी बिल्कुल ठीक. सूरह मुदस्सिर 29वां पारा या 19वां? 29 बिल्कुल ठीक. मशहूर तफरी मकाम शकरपुड़िया मरी या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद बिल्कुल ठीक. मेजर अजीज भट्टी शहीद 1965-1971 बिल्कुल ठीक. फातिमा जना का इंतकाल 1967-1977 बिल्कुल ठीक. मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला 172 ईस्वी या 812 अफगानिस्तान या इराक? अफगानिस्तान ठीक है आपका जवाब. ओके
क्या लग रहा है कितने सवाल आप किसी जवाब देने हैं? बहुत सारे हैं लेकिन बहुत सारे नहीं। देखते हैं, आपके 60 सेकंड्स का वक्त शुरू होता है जनाबे अली। अब तन्हा तन्हा किसका मजमुआ, अहमद फराज या अल्लामा इकबाल? अहमद फराज। बिल्कुल ठीक। मुसलसल आबाद रहने वाला एशिया का शहर, इटली या दमिश्क? दमिश्क। बिल्कुल ठीक। जमीन मरीख से बड़ी है या छोटी? छोटी। गलत। क्वेटा पश्तो का लफ्ज है या बलोची का? बलोची। गलत। 2006 अमन का नोबेल प्राइज डॉक्टर मोहम्मद यूनुस या अब्दुल सलाम? मोहम्मद यूनुस। बिल्कुल ठीक। हजरत जकरिया कानकुन या बढ़ई? बढ़ई। बिल्कुल ठीक। दुनिया में किस अफ्रीकी मुल्क का शेर पैदाइश सबसे ज्यादा, नाइगर या बल्गारिया? नाइगर। बिल्कुल ठीक। चीन की बरसर इख्तदार पार्टी डेमोक्रेटिक या कम्युनिस्ट? कम्युनिस्ट। बिल्कुल ठीक। सूरत पर सबसे ज्यादा कौन सी गैस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन? नाइट्रोजन। गलत। ग्रेविटी का कानून डेल्टन या न्यूटन? डेल्टन। गलत। जिससे करंट गुजर सके क्या कहलाता है, कंडक्टर या इंसुलेटर? कंडक्टर। बिल्कुल ठीक। एक घंटे में कितने सेकंड, 3600 या 600? 3600। बिल्कुल ठीक। दश्ते नैनवा यानी शाम या करबला? शाम। गलत। किन के हाथों में लोहा नर्व, हजरत दाऊद? हजरत दाऊद। बिल्कुल ठीक। बरे सगीर में पहली मर्दम शुमारी 1901-2001? 1901। बिल्कुल ठीक। फतेह मक्का के वक्त खाने काबा में 360-260? 360। ठीक है, आपका जवाब सभी। बैंक प्लाजा किस शहर में है, कराची या लाहौर? ठीक है आपका जवाब। ओके, अब मैंने आखिरी सेकंड में एक सवाल किया है कि मुझे लगा बिल्कुल बॉर्डर लाइन में, तो मैंने सवाल कर लिया। हाँ ठीक है, आप दोनों हैं, टाइम कम है, मुकाबला है, ठीक है, दरमियान बजर चेक करें, ए और बी। तीन सवाल करेंगे आप तीनों, यानी तीन सवाल, जिसने दो के दे दिए वो जीत जाएगा। बजर चेक कर लें और मशवरा है कि सवाल मतलब सुन लें, वरना ये भी ना हो कि आप जवाब सही समझे और वो ना हो। ठीक है, ओके। और माइनस भी होगा, प्लस सारा जो रूल है ना, प्लस माइनस वाले, वही ठीक है। साल बताना है, पहले से कह रहा हूं साल, और ये एग्जैक्ट बताना है, इसमें एक का साल भी आगे पीछे नहीं चलेगा। साल, परवेज मुशर्रफ सदारत से इस्तीफा। ए 2008। बिल्कुल ठीक आपका जवाब, जबरदस्त। ओके, अगला सवाल, अगर आपने एक और जवाब दे दिया तो हो जाएगा। हनीफ मोहम्मद है पाकिस्तान के खिलाड़ी, 337 रन बनाए थे, ठीक, किस टीम के अगेंस्ट बनाए? हनीफ मोहम्मद ने 337 रन बनाए, इंडिया के खिलाफ या वेस्ट इंडीज के खिलाफ? इंडिया या वेस्ट इंडीज? हनीफ मोहम्मद 337 रन, वेस्ट इंडीज या इंडिया? कोई चाहे तो तुक्का मार सकता है, सवाल खत्म हो रहा है, वरना 5-4 जी इंडिया। गलत हो गया जवाब, वेस्ट इंडीज था ये। आखिरी सवाल है, अब क्या हो गया, स्कोर दोनों का 0-0 हो गया ना दोबारा, क्योंकि प्लस 10 और माइनस। आखिरी सवाल है, फिर कह रहा हूं साल बताना है, साल एग्जैक्ट बताना है। जब शहीद हो गई या जब गोली मार दी गई बेनजीर भुट्टो को, साल 2007। ठीक है आपका जवाब। ओके, वेरी 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 वेल प्लेड, दोनों ने बहुत अच्छा खेला थ्रू आउट, आप ज्यादा अच्छा खेल रही थी, आपने भी बहुत अच्छा खेला। 4-5 सवाल का फर्क है और पांचों अपने अपने राउंड्स के विनर्स हैं, लेकिन आखिर में ये तीन सवाल के जवाब वाला मुकाबला आपने जीता है। तीनों के लिए बहुत सारी तालियां, जबरदस्त। लेकिन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है पार्टिसिपेंट, इन्हें बहुत सारी तालियां बजा दीजिए। डब्ल्यूबी भाई हमारी शानल में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का।